मम्मी जी आ गए हैं मासी के यहाँ से। कपड़े ही कपड़ा मारू, अरे खिलौने वाला ले जावे, चल खिलौना। क्या यार मेरे खिलौने, मैं कह रही हूं बच गए थे, बस से बांध दे मेरे खिलौने, सब साइड बिगड़ जाएगा। अभी मैंने श्वेता जी को बताया कि आदित्य कहाँ छुप के बैठा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ छुप के बैठा हुआ दिख जाएगा। मोटरसाइकिल के पीछे हाथ दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है ना, ये रहे आप, ये बैठा आदित्य यहाँ छुप के, उसको मार पड़ेगी अभी। ये कृष्णा, वो आदित्य बैठा है यहाँ छुप के, उसको बाहर निकाल दो, वो रहा चल। और यहाँ पे क्यों छुप के बैठा रहे, घर में तो आना ही पड़ता है। छुप के बैठ गया, छुप के बैठ गया। आ जा मैं ऊपर कर तेरा, और ये बंद कर दरवाजा। और क्या जेब में क्यों हाथ डाला हुआ है तूने, तो जेब में ऐसे हाथ डाल के चलते हैं क्या? क्यों कुछ मत दी, मेरे को पता नहीं है क्या तू कुछ लाया होगा वहां से। अरे क्या कर रहा है, क्या खड़ा चल अंदर, कांच का धर्म। घर आ गए अभी थोड़ी देर पहले, और ये देखिए ना आदित्य ने क्या बनाया है बैठ के। बनाना बनाना बाकी है, इसको मिट्टी से करना है। क्या 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 बनाना है, बॉर बॉर बनाना है। और बाहर पंखा लगा के बैठो, बिना पंखे क्यों बैठे हो, तो तेज करो, इतना पसीना आया हुआ है आपके। तो अभी हम पापा की दुकान का सामान लेने के लिए आए हैं सुबह सुबह, ताकि भीड़ नहीं रहती है ना, तो फटाफट सामान ले लेते हैं। मस्त जगह है एकदम, नहीं ये बोल छीनू काम छीनू काम छीनू काम छीनू काम ओ कम 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 हेलो छीनू हम लोग भी चाय पी के घर से, और कुछ को है ना दस्त लग रही है बहुत ज्यादा, तो दस्त के लिए उसको दवाई देते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पास में एक होम्योपैथी किट है जिसमें लगभग सब चीज़ों की दवाइयां हैं, और ये किट मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदा था। 25 होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इसमें, 750 रुपये में लेके आया था मैं किट। इसमें ये सारी दवाइयां हैं, तो इसमें से जो दस्त की दवाइयां है वो दे देते हैं, डायरिया की, कौन सी, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ट्रैवल सिकनेस, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन, मस्कुलर क्रैम्प्स की है इसमें, अरेवा, इंसेक्ट बाइट, डायरिया कहाँ गई भाई। हे दोस्तों, आप सोच रहे हो कि कहाँ जा रहा हूँ मैं गाड़ी में बैठ के सुबह सुबह। मेरा क्या है, जो लेफ्ट लेग है ना उसमें कोई मसल्स खिंच गए थे कुछ दिन पहले, तो आई थॉट सही हो जाएगा अपने आप, लेकिन अपने आप से ठीक हो नहीं रहा, तो इसलिए क्या है कि परेशान हो गया। आज मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पीछे आपको कैंपर भी दिख ही रहा होगा, कैंपर भी चेंज करवा लेंगे रास्ते में। और राहुल बैठा होगा तो उससे भी मिल लेंगे रास्ते में वापस आते हुए, पहले तो हॉस्पिटल ही जाएंगे। भाई साहब यहाँ छाया की तलाश करना बेकार है, ये छाया मिलेगी नहीं, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा ही है मैं गाड़ी बाहर खड़ी कर देता हूँ। यहाँ मिल जाएगी जगह शायद, हम्म।
पेट ये क्या था? मॉर्निंग भूखे पेट ये क्या था? ये मतलब डेली एक ही लेना है? हाँ डेली एक खाना खा के ये 1 week 1 pound दूध में एक एक पाउच एक लाख दूध रोज की एक ये 10 गोली है ना। थैंक यू। मेडिसिन लिखवा ली है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ने 1 महीने की दवाएं दी है, पता नहीं क्यों। अब मुझे कंसर्न हो रहा है कि 1 महीने की दवाएं दे दी यार। चलो चलते हैं। अभी पानी का कैंपर ले लिया है और घर की तरफ जा रहे हैं। पापा का फ़ोन आया, पापा के साथ कृषि मंडी जाना है कुछ काम से, तो वहाँ चलते हैं। तो मुझे है ना अपने काम से शहर से बाहर जाना था, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि तो मुझे लगता है यार अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरे सारे काम कौन करेगा यार। मुझे कैसे निपटेंगे सारे काम? तो दिन के करीब 11:30 बज रहे हैं अभी और मैं अपना जो छोटा मोटा काम था वो निपटा करके और नाश्ता कर रहा हूँ। पोहे बनाए हैं श्वेता जी ने, पोहे खाते हैं, फिर करीब 1.5 घंटे बाद में फिर लंच कर लेंगे, है ना। अभी कुछ के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं परसों से, तो इसलिए हम लोग एक बार उसकी स्कूल जा के आ रहे हैं। अभी मेम साहब घर से आए थे, हम दोनों को साथ में ही जाना था स्कूल एक्चुअली। तो कस्टमर निपटा के ये आईब्रो का आईब्रो आई थी अभी, आईब्रो करके और हम लोग जा रहे हैं स्कूल। बच्चों की मिल के आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये स्कूल आ गई बच्चों की, आइए अंदर चलते हैं। दोपहर का केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, रोटी है, आलू की सब्जी है और ये है दही। अभी हम लोग एक हेयर कट करने वाला है और कट करेंगे हम किसका? इनका, इनका नाम है अभिलाषा, है ना। कौन सी क्लास में? 4th में हम। अरे वाह। तो अभी इनका हेयर मेकओवर करेंगे, ये बिफोर लुक है और ये लेंथ है इनके बालों की। ठीक है शुरू करते हैं हम कट। अभिलाषा का हेयर मेकओवर कर दिया हमने और अभी हेयर कट आ दिया, ऐसे लग रहे हैं, है ना। इसको ऐसे ही रहना, एकदम चेंज हो गई शक्ल आपकी, बता। तो ये है छोटी सी, क्या नाम आपका? जिज्ञासा है ना, और वो थी अभिलाषा। ये जिज्ञासा, अब जिज्ञासा की हेयर कटिंग होगी। ये जिज्ञासा का पोस्ट लुक है, कैसे लग रहे हैं बेटा? अच्छे लग रहे हैं, बाल छोटे तो नहीं किए? चलो ठीक है। हाँ भजन चल रहा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कभी कभी मन नहीं लगता है, यहाँ आके बैठ जाता हूँ उनके पास में, पास में जो कलर में रहती है सब आता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, आई एम श्योर। क्या है भाई? पहली बात तो तू खिलौनों के बाद बात करने जाता है, सब सैंड बिगड़ना है तेरे। मम्मी जी आ गए हैं, मां से यहां से कपड़े टपना मारूं? अरे खिलौनों वाला ले जा मैं, चल खिलौना। क्या यार, खिलौने सब सैंड बिगड़ जाएगा। बच्चा है
नहीं नहीं ले जा सकता, नहीं जाने ही नहीं, बाहर बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना तू, यहाँ मैच देख बैठ के। और यार यार नहीं करते सब दिन, यार नहीं बोलते हैं एक तो पहली बात तो, फिर यार और बात नहीं यार, यार। क्या मुंह तेरे, तू तारा पापा के बैठ गए मंदिर में, मंदिर मंगल कर दियो, मंगल कर दियो मंदिर, अब मैं खाना खाऊंगा। पापा जी ने बी है, पापा जी ने क्या दे दिया जी, क्या ही जरा मारी, वो क्यों लाएंगे तो आवे तो सर पापा ने मना कर बोलू इतने से अपनी जो बच्चा बच गया पिया दो नहीं क्या बात है, मैं चालू करी है, मैं तो इनमें दो उठ कर भी नहीं लिया, उन दिन भी वो लेने हैं, उन दिन खाना आ गया है हमारा, दाल रोटी दूध थोड़ी पीता आदि, आदि जिद की क्या, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं अभी हम लोग। और ये देखो अब हम लोगों ने ना इसके अंदर कुछ तो मिक्स करके इसको मॉकटेल बनाया है, क्या मिक्स किया है आप भी देख लो, कमेंट करके बताना आपके हिसाब से क्या हो सकता है ना। ये देखो पापा इधर आना भूलते हैं बच्चे आजकल के, पापा के पास नहीं आते हैं कुछ चल के, थोड़ा सा और स्पेशल इफेक्ट देते हैं ना। पैर में दर्द एज इट इज है, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, दवाई लेने से थोड़ा सा मतलब स्टैमिना में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन पेन तो है पैर में अभी भी। और डिनर वगैरह हो गया सब कुछ, और अभी आपने देखा हम लोगों ने एक थोड़ा सा मॉकटेल भी पी लिया, अब एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, तो अब आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Yes, beautiful kid. Chinu.